हॉरोस्कोप देख सकते हैं, अपना हाथ की लकीरें पढ़ सकते हैं पूरा। नमक है तो यहाँ पे ऐसा होता है जैसे हे वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वीडियो शूट रहा है इरक्लियन ग्रीस में और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:10 AM और अभी मैं शिप से बाहर आ चुका हूँ। अभी मैं जो टर्मिनल है टर्मिनल में बैठा हूँ। थोड़ी देर में मैं बाहर जाऊँगा, शटल बस लेनी पड़ती है। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा मैं शटल बस पकड़ के पोर्ट से बाहर निकला था, फिर वहाँ से सिटी गया था। तो उस ब्लॉग में मैं सिटी अच्छे से कवर नहीं कर पाया था। आज हम सिटी तो बहुत बड़ी है इरक्लियन की, तो आज कुछ और एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक क्रूज़ टर्मिनल है जो इरक्लियन का, ये दिखा देता हूँ एक बार। ये यहाँ पे पूरे पैसेंजर्स और क्रू बैठे हैं और यहाँ पे लगेज स्कैनिंग होती है या फिर सिक्योरिटी चेक होता है। यहाँ पे जो इरक्लियन का पूरा सिटी है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए पूरा सिटी यहाँ पे है। इरक्लियन पोर्ट जो मैंने आपको बताया था कम्बाइंड पोर्ट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फेरी, मरीन, क्रूज़ एंड कार्गो, तो सब यहाँ पे डॉक होते हैं। टर्मिनल जो है कम्बाइंड टर्मिनल है। तो चलिए अभी निकलता हूँ सीधे बाहर। सामने बस लगी हुई है, अच्छे मेरे आप देख रहे होंगे शिप डॉक हुआ है और मैं निकल रहा हूँ अभी आगे को बस लेने के लिए। ये पूरा टर्मिनल तो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था। कंटेनर्स कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे। बस भी क्या ऑसम है भाई, एक नंबर। मैं आ चुका हूँ मैं बस के अंदर, अभी खाली है, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है इसमें। लास्ट टाइम तो मुझे सीट नहीं मिली थी आगे इरक्लियन में और आज आगे मिल गया। तो चलिए आपको पूरा पोर्ट दिखाता हूँ मैं टाइम लैप्स में। चलिए निकलते हैं अभी बाहर और यहाँ से मैं जाऊँगा अभी वही सेम सिटी की तरफ को। रोड क्रॉस करके पहले मुझे उस तरफ को जाना पड़ेगा। बाकी लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया दिया था आपको यहाँ से बस की या फिर ट्रेन की टिकट ले सकते हैं आप या फिर रेड बस की। तो अभी आपको मैं सीधे मिलता हूँ सिटी में। आज मैं सिटी दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा इरक्लियन वाले मैं पूरा ओल्ड पोर्ट तक गया था, फिर वहाँ से सिटी गया था। तो आज मैं शॉर्ट रास्ते से सिटी में जा रहा हूँ और आज यहाँ पे ठंड है, इस वजह से जैकेट डाल के आया हूँ मैं। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं जैकेट भी टी शर्ट पहना हुआ था। आज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 13°C 13-14, तो थोड़ी ठंड है यहाँ पे आज। आप देख रहे हैं ऊपर मेरे पीछे, देख सकते हैं आप काले काले बादल लगे हुए आसमान में, धूप भी नहीं है। पूरे ग्रीस के गवर्नमेंट की जो बस हैं वो आ रहे हैं। ऐसे ही बस आपने वहाँ भी देखी होंगी मेरी एथेंस वाले ब्लॉग में, तो सेम ऐसी ही बस रहती है पूरी ग्रीस में। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पेड़ ऐसे हिल रहे हैं, तो आवाज़ भी साफ नहीं आ रही होगी मेरी। ये गाड़ी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने ब्लू कलर की, ये तो मैंने 90s की मूवीज में देखी थी। और यहाँ पे देखो ऊपर बच्चे हैं चिल्ला रहे। अभी मैं मेन सिटी सेंटर में तो नहीं पहुँचा हूँ बट सिटी के अंदर एंटर हो चुका हूँ। सामने यहाँ पे बस स्टेशन है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह का बस स्टेशन रहता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है इरक्लियन का बस स्टेशन। बसें भाई सारी कमाल की होंगी यहाँ पे, मर्सिडीज, मैन, लायन कोच। तो चलिए आज मैंने आपको ग्रीस का बस स्टेशन भी दिखा दिया है जो कुछ इस तरह का है, और मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ ग्रीस का बस स्टेशन। इंडिया के अंदर तो बहुत सारे बस स्टेशन देखे हैं मैंने लेकिन ग्रीस में पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ पे सामने लोग बैठे हैं अपना ताम तोपड़ा लेके। तो चलिए निकलता हूँ अभी सिटी की तरफ को मैं। मुझे ये चलाना है एक बार ATV, मैंने ये कभी नहीं चलाई है। अभी जाके पहुंचा मैं मेन जो सिटी सेंटर है इरक्लियन का, अभी वहां पे पहुंच चुका हूं मैं।
क्रिसमस के लिए अभी से तैयारी होने लगी यहाँ पे। आप देखते हैं पूरा क्रिसमस का सामान आ गया। बाजार में उतनी भसड़ नहीं है आज, पता नहीं क्यों, खाली खाली सा पड़ा है, पूरा शांति है यहाँ पे, पूरी खाली पड़ी है बाजार, देखो बहुत शांति है। सामने बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, खड़े हैं सब लाइन से। बस यही है सब यहाँ पे, शोरूम्स वगैरह या फिर रेस्टोरेंट। जो चीज़ मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, यही मेन सिटी का जो सेंटर है वो वहाँ पे बनाया हुआ है। ये शेर बनाया, उनके मुँह से पानी आ रहा है कुछ नीचे इस तरह का, देखो आप। बाकी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, पूरा ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है, बट इतना पता है कि 1629 में बनाया गया है। ये मशीन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, सामने देखो आप, या 50 सेंट में या 1 यूरो में अपना हॉरोस्कोप देख सकते हैं, अपना हाथ की लकीरें पढ़ सकते हैं पूरा। बट कमाल की मशीन है, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कि मतलब आप अपना हाथ या ये जब राशि होती है ना, ये सब आप देख सकते हैं मशीन में। ये देखो यार क्या मस्त बनाया है, ये एक फलों की दुकान है, ग्रीस का झंडा लगाया, क्या कमाल की दुकान बनाई भाई, गजब देखो। और ये शॉपकीपर अंदर, ये शॉप इज अमेजिंग, थैंक यू बाय। तो कह रहा कि अंदर भी दिखा दो कुछ आइटम्स, तो दिखा देता हूँ आपको। ये जो स्पाइसेस है पूरे ग्रीक स्पाइसेस यहाँ पे रखे हुए हैं, बट बहुत कमाल की शॉप बनाई है भाई। देखो सब्जी की दुकान है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब क्या बताऊँ आपको मैं, डिस्प्ले ऐसा रखा हो। थैंक यू। और इसी के पास में बच्चों का स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं इसके अंदर, किंडर गार्डन जैसा है। गार्डन ये क्या है मालूम नहीं इसके अंदर, लेकिन बंद है अभी दरवाजा। ये गाड़ी भी देखो बहुत कमाल की गाड़ी है। देखिए ये टेक्निक में पहली बार देख रहा हूँ, ये घर में कुछ काम वगैरह चल रहा है तो जो पाइप बना रखा है ना पीला सा, फिर नीचे काला, उसके ऊपर से वो पत्थर वगैरह जो भी है, जैसे पत्थर ईंट वगैरह, उससे फेंक रहे हैं नीचे डब्बे में आ रहा सीधे। और ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, लोगों के घर वगैरह हैं, देख सकते हैं आप, लोगों के फ्लैट वगैरह हैं यहाँ पे। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ यहाँ पे ओल्ड पोर्ट के, यहाँ पे अभी बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की, बारिश सी आ रही है, और छाता वगैरह मैं लेके आया नहीं हूँ, तो चलिए फटाफट से निकलता हूँ शिप की तरफ को। अभी मौसम ख़राब हो रहा है, पूरे काले काले बादल लगे हुए हैं, मौसम ज़्यादा ख़राब हो इससे पहले मैं फटाफट शिप में निकल जाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, लोग रेनकोट पहन के बाहर निकल रहे हैं, बारिश जो है थोड़ी तेज़ होने लगी है। सामने शटल बस लगी है, फटाफट से पकड़ लेता हूँ शटल बस। और बाकी तो मैं आपको लास्ट टाइम दिखाया था, ये ट्रेन जो यहाँ पे टूर कराती है सिटी के अंदर, ये है अपनी बस, यूनियन कोच सर्विसेस। आगे का दरवाज़ा बंद है, पीछे के दरवाजे से घुस जाता हूँ अंदर। तो अभी आ चुका हूँ बस के अंदर, और फिर से मुझे अभी लकीली अभी भी फ्रंट की सीट मिली है आज, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं बस में, पीछे आप देख सकते हैं कुछ इक्के दुक्के लोग बैठे हुए हैं। बाहर बारिश हो रही है, इसलिए सारे पैसेंजर्स अंदर आ रहे हैं। देखो बस निकल चुकी है अभी पोर्ट की तरफ को, और मिलता हूँ आपको मैं सीधे पोर्ट में। यहाँ पे मुझे फटाफट से अंदर जाना पड़ेगा स्कैनिंग करवाने के लिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा मुझे। सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी कार्ड वगैरह चेक कराने पड़ेंगे। क्यों और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:02 शाम के। अभी अपना शिप यहाँ से सेल हो गया, 6 बजे की सेलिंग थी, और अपना शिप यहाँ पे पोर्ट में डॉक हुआ था। यहाँ से हम थोड़ा आगे हैं, निकल गए हम अभी। पीछे आप देख रहे होंगे जिसमें ब्लू कलर की लाइट जली है, एक शिप डॉक हुआ है, वो है नोमेड पैसिफिक क्रेन, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आपको दिखाया था। और आज यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो गया,
अभी सिर्फ 6 ही बजा है, लेकिन यहाँ पे आज 5:15 से ही अंधेरा होने लग गया था, बिल्कुल बाहर अंधेरा अंधेरा सा, क्योंकि दबा के बारिश हुई दिन में। जैसे कि मैं बाहर गया था, बारिश हुई तो अंदर आया, मैं भी अंदर आ गया, सारे पैसेंजर अंदर आ गए, आज क्रू पैसेंजर सारे सब लोग अंदर आ गए, क्योंकि बाहर बहुत दबा के बारिश हुई आज। उसके बाद अंदर आ गए, मैं भी दबा के सो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, अंधेरा जल्दी होने लग गया। वैसे भी बारिश में ऐसा होता है, काले बादल छाए थे तो ऐसा होता है कि अंधेरा जल्दी होने लग जाता है, तो आज अंधेरा जल्दी हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पूरा, अभी तो पूरा अंधेरा ही हो गया है। बारिश अभी अच्छे से बंद नहीं हुई है, अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। आपको दिखाता हूँ नीचे सी में, देखो आप, पता नहीं लग रहा है कि बूंदाबांदी हो रही करके, लेकिन नीचे देखिए आप पानी में, ये देखिए अभी कंटिन्यू है भाई, ये सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पे आज हिराक्लियन में। आप देखना अभी मैं जैसे इसमें हाथ फेरेगा अपना, ये देखिए ये पूरा नमक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है जैसे कभी स्ट्रॉन्ग विंड होती है, रफ सी होता है, तो हवा के साथ आपको पता है सी वाटर तो पूरा सॉल्टी होता है, तो नमक ऐसे उड़ के आता है इधर पूरा नीचे। कभी कभी यहाँ पे पूरा सॉल्ट रहता है इस तरह से, जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती बहुत ज़्यादा रफ सी होता है तब होता है। इसीलिए हर दिन जब भी शिप पोर्ट में लगता है तो शिप की पूरी धुलाई होती है, शिप को धोया जाता है, पूरा शिप को वॉश किया जाता है, जो कि मतलब रस्ट ना पकड़ ले, जंग वगैरह ना लग जाए, इसलिए शिप को धोया जाता है। पूरी क्लीनिंग होती है शिप की अच्छे से, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे डेक में, खासतौर पर नीचे वाले डेक में, तो जो नीचे हैं वहाँ पे हमेशा ही क्लीनिंग करते हैं। ऊपर के डेकों में ऐसा होता है कभी होती है कभी नहीं होती है, बट नीचे तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना सॉल्ट आ रहा है। आप ये देखो पूरा ये सॉल्ट है, पूरा नमक आ रहा है। यहाँ पे जो हिराक्लियन का पोर्ट है वहीं पे पास में एयरपोर्ट भी है, वो सामने आप देख सकते हैं एक फ़्लाइट उड़ रही है, ये देखिए आप, हर 10 मिनट में यहाँ पे फ़्लाइट जाती है, आती है जाती है फ़्लाइट, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ग्रीस का ये मतलब एक हिराक्लियन सेकंड नंबर की सबसे बड़ी सिटी है आफ्टर एथेंस, तो यहाँ पे हर 5-10 मिनट में फ़्लाइट आते रहती हैं जाते रहती हैं। और अभी हम पोर्ट से 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, शिप ने भी स्पीड पकड़ ली है, ये देखिए पानी, पानी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी उतनी स्पीड नहीं पकड़ी है, जब थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे हम यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे पोर्ट से, तो उसके बाद फुल ऑन स्पीड में चलेगा। और आज मेरी शिफ्ट में ड्यूटी में भी थोड़ा चेंजेस हुआ है 2 दिन के लिए। एक क्रू मेंबर था वो मेडिकल डिसम्बार्क हो गया आज ही हिराक्लियन में, एमरजेंसी डिसम्बार्क, तो इस वजह से 2 दिन के लिए मुझे लेट नाइट तक काम करना होगा, थोड़ा सा जैसे 9 बजे से 12 बजे तक, 2 दिन के लिए ये, और उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। और ये मेरा लास्ट हिराक्लियन है, हिराक्लियन में दोबारा नहीं आने वाला। और अभी हम जा रहे हैं इसराइल, कल पूरा एट सी रहेगा, परसों हम इसराइल पहुँचेंगे, इसराइल में हमारा 2 दिन ओवरनाइट रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट डे हम इजिप्ट जाएंगे। तो आपको अगर इसराइल इजिप्ट वाला ब्लॉग देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए मैं भी अभी ड्यूटी निकलता हूँ, और ये लास्ट हिराक्लियन था, ग्रीस का पोर्ट अभी आने वाला नहीं है आगे, तो मेरा ग्रीस में लास्ट ब्लॉग बन रहा है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और मुझे बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।